हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएशन बाय मोनी। आज आप लोग जानेंगे कि स्लिप्स की कटिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसको अच्छे से लंबाई में हमने फोल्ड कर लिया। तो अच्छे से फोल्ड करके आप बिछा लेंगे इस कपड़े को। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा स्लिप्स में लंबाई की मेजरमेंट करना। तो हमारा जो स्लिप्स है उसकी रेडी लेंथ है 18 इंच। तो आप सबसे पहले लंबाई में निशान लगाएंगे, तो 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे हम, तो हमारी जो स्लिप्स की जो लेंथ है वो 19 इंच आ जाएगी। तो हम 19 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब अपने स्लिप्स की चौड़ाई हम लेंगे, तो हमने सूट में स्लिप्स को 8.5 इंच पर हमारा रेडी आ रहा है, तो इसमें हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। अब अपने सूट में जो स्लीव्स है उसमें 3 इंच का हम डीप लेंगे, तो 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम गोल शेप देते हुए अच्छे से मिला देंगे। ये हमने इस शेप गोल शेप दे दिया है। अब यहाँ से भी हम 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब अच्छे से निशान लगाने के बाद 0.5 इंच पर एक और निशान लगा देंगे। हमने 1 इंच पर निशान लगाया है, दोबारा हम इसकी जो रेडी नाप है वो 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे। और कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है ताकि जब ये इसकी कटिंग हो तो हमारी जो दोनों स्लिप्स है वो एक साथ रेडी हो जाए। खुले वाले साइड को हमने अपने अपोजिट साइड रखा है और फोल्डेड साइड को अपनी तरफ रखा है। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमने इस तरह से मिला दिया है। ये हमारा फुल बाजू है जिसे क्वार्टर बाजू भी कहते हैं। इसी तरह से आप हाफ बाजू की भी कटिंग कर सकते हैं। अब जो हमने निशान लगाया है अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसका जो राउंड शेप था उसको कट कर लिया है, नीचे साइड को भी हम कट कर लेंगे। अब जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था ऊपर से भी हम 1 इंच का निशान लगा देंगे। और आप यह देखेंगे कि जो हमने 8.5 इंच पर रेडी लेंथ विड्थ लिया था वो 8.5 इंच ही रहनी चाहिए। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। ये हमारा रेडी निशान है, यानी कि हमारा यहाँ पे तैयार आएगा। हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अपने कलाई का जो विड्थ है वो आप अपनी कलाई को माप लेंगे, उसके अनुसार उसका मार्किंग करेंगे।
अब हम अपने बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा स्लीव्स कटकर रेडी हो गया है। अब इसके सेंटर में थोड़ा सा हम कट्स का निशान लगा लेंगे ताकि हमें इसका सेंटर पता रहे। अब जो हमने अपनी रेडी विड्थ ली थी, निशान जो लगा है उस पर भी छोटा सा कट्स का निशान लगा देंगे। नीचे साइड भी हम इसी तरह से कट्स का निशान लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें इसकी फिटिंग कितनी करनी है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो बाजू है वो कटकर रेडी हो गया है। अब हम जो हमारे बाजू का सेंटर है उसके सेंटर में हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे गोल शेप देंगे इस तरह से, और अपने सीजर की सहायता से इसे सावधानी से कट करेंगे। ये हमारे आर्म होल की कटिंग है। इस तरह से हम कट कर लेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि जो इसकी कटिंग है वो 2 भाग में ही हो, चारों भाग लेकर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, और जो कटा वाला भाग है उसे हम फ्रंट साइड स्टिच करेंगे। ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसको आप अपने सूट में किन 2 तरीकों से स्टिच कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।